हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि सीटी जो एग्ज़ाम है, एमएसटी सेट जो एग्ज़ाम है आपका, इसका जो है डेट आ चुका है एमएसटी सेट एग्ज़ाम का, है ना। और ये एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पीसीएम लेना चाहते हो, यानी कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो जो बच्चे बी और बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है। मालूम है कि महाराष्ट्र में कहीं भी जो डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको सेट एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम देना ही देना है बच्चों, ये बिना दिए ही आप ये एग्ज़ाम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। चलो, और अगर आपको फार्मेसी करना है तो आपको पीसीबी वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, यानी फार्मेसी करने के लिए भी आपको सेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी आपका डेट आ गया है, तो फिलहाल आपको सिर्फ पैटर्न समझना है एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कैसा आएगा। और याद रखिए आपको बच्चों कि ये जो एग्ज़ाम है आपको अप्रैल में होने वाला है, तो पहले आप ध्यान किस पे दीजिए, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे दीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वीडियो चेक करिए, ठीक है। तो कुछ बातें देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम आपको जैसे समझ में आ गया कि अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल के अंदर जैसे मैंने बताया 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और आखिरी पेपर जो रहेगा 13 तारीख से रहेगा पीसीएम वालों को, और पीसीबी वाले को जो पेपर जो रहेगा 20 तारीख तक चलेगा। इनका पेपर 15 से स्टार्ट होगा, यानी पीसीएम का ख़त्म होगा तो पीसीबी चलेगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं कि इसमें पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो आपको याद रखना है कि वेटेज की अगर पहले मैं बात करूँ, 11 से वेटेज है, 11th क्लास की अगर बात कर लें तो 11th से 20% आता है, ठीक है, और 12th क्लास से जो रहता है 80%, ठीक है। तो आपको 11th प्लस 12th दोनों मिला के पढ़ाई करना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाए, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा जो है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पेपर जो रहेगा आपका, ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर रहता है। और एग्ज़ाम किस पे होता है, एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ठीक है, ये याद रखिए आप। 200 मार्क्स के पेपर में अगर आप पीसीएम ले रहे हो, है ना, पीसीएम ले रहे हो, तो पीसीएम के अंदर, ठीक है, 50 मार्क्स का ये रहेगा, 50 मार्क्स का केमिस्ट्री रहेगा, और मैथ्स जो रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। तो मैथ्स कितने रहेगा, 100 मार्क्स का मैथ्स पूछेगा। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करो तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात कर लेते, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ्स के भी जो 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको साफ समझ में आ रहेगा कि मैथ्स के एक क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, फिजिक्स के एक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन पर आपको 1 ही मार्क्स मिलने वाला है। ये हो गया आपका पीसीएम। और अगर मैं पीसीबी की बात कर लेता हूँ, अगर हम लोग बात करते हैं पी सी बी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसके अंदर जो पैटर्न होगा बच्चों, याद रखिए, फिजिक्स का जो आएगा, फिजिक्स में आपको पूछेगा 50, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन, और बायोलॉजी में आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है, और बायोलॉजी के हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। तो ये यहाँ पे इस तरह का पैटर्न है। ये भी टोटल कितने होंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या तैयारी करना, किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको याद रखना है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी अक्कड़ बक्कड़ भी आप खेल सकते हो एग्जाम के अंदर, नेगेटिव मार्किंग ज़रा भी नहीं रहने वाला, ठीक है। तो चलिए, इसका जो पीडीएफ रहेगा, है ना, जो भी ये जो फाइल है, इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है किसके अंदर, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसको ज्वाइन करिए, और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोज भी मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि मैथ्स के जो लेक्चर्स होंगे एमएसटी सेट के, वो भी मैं लेक्चर्स लूँगा आपका जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा बोर्ड का, उसके बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।